हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिबान्स किचन। आप सभी का लिबान्स किचन में स्वागत है। आज हम बनाते हैं वेज मोमोज। तो वेज मोमोज बनाने के लिए मैंने यहाँ कद्दूकस किया हुआ गोभी इस बड़े से बाउल में लेते हैं। गाजर कद्दूकस किया हुआ है, इसे भी इसमें डालते हैं। बारीक कटा हुआ प्याज है, इसे डालेंगे। हरी मिर्च को बारीक काट के लिया है मैंने, और अदरक को कद्दूकस करके लिया है। धनिया बारीक काट के लिया है, और इसी के अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच नमक और काली मिर्च पाउडर। अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करके लेंगे और इसे साइड में रख देते हैं। मोमोज के कवरिंग के लिए मैंने यहाँ 1 कप मैदा लिया है, तो इस मैदे के अंदर हम डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक और थोड़ा सा मैदा बाजू में निकाल के लेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा 1 टीस्पून ऑयल डालते हैं। अच्छे से मिक्स करके लेंगे और इसे अब हम हाथ से पूरे तेल को इस आटे को लगा के लेंगे। अच्छे से मिक्स करके लेते हैं। अब इस आटे के अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक गोला बनाएंगे। आटे को गूंद के हो गया है और अब हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे। तब तक जो हमने फिलिंग्स तैयार किया था, इसे भी पानी छुटा हुआ होगा, तो इसका पानी निकाल के ले लेंगे हम। तो अब हम इस फिलिंग का जो पानी छुटा हुआ है वो हम निकालेंगे। और अब ये तैयार है फिलिंग हमारा। अब 5 मिनट हो गए हैं और हमारा आटा अब अच्छे से सेट हो गया है, तो अब हम इसकी छोटी छोटी लोहियां बना के लेंगे। अब हम इसमें से एक एक लोही उठा के इसकी छोटी छोटी पुरियां बना के लेंगे, और इसके बाद मैं बताऊंगी आपको आगे क्या करना है। अब हम क्या करते हैं कि एक ही साइज के हमें मोमोज चाहिए, तो एक ढक्कन लेकर इसकी हम पूरी निकाल के लेंगे, तो हमारे सारे मोमोज एक ही साइज के हो जाएंगे। तो अब हमारी सारी पूरियां एक साइज की बन चुकी है। अब हम क्या करते हैं, इसमें से एक एक पूरी लेंगे और इसके अंदर हम एक फिलिंग डालेंगे।
मोमोज अलग अलग तरह से बना सकते हैं। आज मैं आपको एकदम सिंपल तरीका बताती हूँ। यहाँ पकड़ के हम उसके बराबर सामने वाले पार्ट को भी पकड़ेंगे, उसे दबाएंगे इस प्रकार, और फिर साइड से पकड़ेंगे और इसके बीच में इस प्रकार दबाएंगे, और फिर इस कोने को, और फिर यहाँ, और ये इस प्रकार हो गया। फिर इन दोनों कोनों को एक तरह तरफ लेते हैं और फिर इसके दूसरी तरफ, तो हो गया हमारा मोमोज। और एक तरीका बताती हूँ, सामने से हम ऐसे प्लेट्स डाल के लेंगे, और मोमोज को थोड़ा उठा के लेंगे और बराबर पीछे का पोर्शन इसके ऊपर लगाएंगे और फिर दबाएंगे। और एक बार दिखाती हूं मैं, सामने से हम ऐसे प्लेट्स डालेंगे, देखो, और पीछे का पोर्शन मोमोज को उठा के लेते हैं और पीछे का पोर्शन ऐसा दबाते हैं। तो अब हम इसी तरह सारे मोमोज बना के लेते हैं। अब हम इसे स्टीम करने के लिए रख देते हैं। मैंने स्टीम करने के लिए पहले से ही पानी रखा था, तो अब मैं इसी के अंदर इन्हें रख देती हूँ और इन्हें 10 मिनट स्टीम कर देते हैं। और इसमें के आधे मोमोज मैंने यहाँ तेल गरम करने के लिए पहले से ही रखा था, तो इसमें फ्राई कर देते हैं। हमें इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, अब ये फ्राई हो चुके हैं और हम अब इन्हें निकाल देते हैं। और इस प्रकार मोमोज को 5 से 7 मिनट तक स्टीम करने के बाद हमारे मोमोज रेडी है। तो यहाँ हमारे स्टीम मोमोज और फ्राइड मोमोज तैयार है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं ऐसे ही नई रेसिपी के साथ अगले एपिसोड में। शुक्रिया।